स्किजोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर की बात करते हैं, मतलब ये स्किजोफ्रेनिया जैसी बीमारी रहती है मगर स्किजोफ्रेनिया नहीं है। स्किजोफ्रेनिया मतलब छिन्न मानस, पूरा पागलपन, उसके जैसा रहता है मगर उतना सीवियर या उतना गंभीर नहीं है। क्योंकि स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं मन का कैंसर है, तो ये मन का कैंसर इतना गंभीर नहीं है, ये स्किजोफ्रेनी फॉर्म है, उसके जैसा उसका फॉर्म है। तो ये होता क्या है कि है पागलपन, मतलब इतना गंभीर नहीं है, और पागलपन में फिर उसको विचारों का भ्रम है, विचार थॉट डिसऑर्डर, मतलब डिल्यूजन्स है, और डिल्यूजन मतलब विचारों का इतना पक्का भ्रम है कि वो है ही ऐसा बोलता है, वो ऐसी है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, लोग मेरे तरफ देख के इशारे कर रहे हैं, मेरे पत्नी का चरित्र बराबर नहीं है, मेरे हस्बैंड का चरित्र बराबर नहीं है, मेरे खाने में कुछ मिला रहे हैं, ऐसा विचारों का भ्रम इसको रहता है। फिर इंद्रियों का भ्रम, दूसरा इंद्रियों का भ्रम मतलब मेनली उसमें कानों का भ्रम, हेल्यूसिनेशंस, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, कानों में आवाज आती है, कोई आ रहा, कोई पकड़ रहा, कोई मार रहा, लोग आ रहे मारने के लिए आ रहे, या मेरे बारे में लोग बात कर रहे मेरे को सुनाई आ रहा है, ऐसे उसके कान के भ्रम रहते हैं, या आंखों के भ्रम, कुछ नहीं है तभी उसको दिखाया जाता है सामने कुछ है करके, या चमड़ी का भ्रम है, या टेस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहर दे के मार रहे, मेरे को टेस्ट में बहुत फर्क दिख रहा है, ऐसा ये भ्रम इंद्रियों के भ्रम रहेगी। तो पहला है डिल्यूजन, मतलब थॉट डिसऑर्डर या डिल्यूजन। नंबर दो इंद्रियों का भ्रम, मतलब हेल्यूसिनेशंस। नंबर तीन जो है वो बोलने में जो है वो बहुत ही इरेलेवेंट या इनकोहेरेंट रहता है, मतलब बोलना कोई समझता नहीं उसका, एक सेंटेंस ऐसा कुछ बोलेगा फिर दूसरा सेंटेंस भलते ही कुछ बोलेगा। मैं कल नागपुर गया था, मेरे खाने में बहुत ही बेकार टेस्ट आ रही थी, और बेकार टेस्ट होने के बाद में फिर मैं परसों नाचने के लिए गया था, फिर वो डांस किया, और बाद में फिर हम कश्मीर घूमने चले गए, कोई संबंध नहीं है एक वाक्य का दूसरे वाक्य से। तो बोलने में ऐसा इनकोहरेंस या इरेलेवेंट टॉक। फिर उसका बर्ताव जो है, बर्ताव बिहेवियर, उसमें प्रॉब्लम है, मतलब एकदम ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा, या एकदम ऐसा रिजिड और कड़क हो जाएगा, तो ऐसा बिहेवियर में फर्क होता है वर्तनरूप में। और पांचवा जो है वो भावना शून्य, भावना शून्य मतलब इमोशनल फ्लैट रहता है, एवोल्यूशन, ना बहुत खुशी है, ना बहुत दुख है, ना गुस्सा है, कोई भावना ही नहीं है, जीरो भावना, अंडा। तो पहला है डिल्यूजन, मतलब थॉट डिसऑर्डर, विचारों का भ्रम। दूसरा है हेल्यूसिनेशंस, इंद्रियों का भ्रम, कानों का भ्रम। तीसरा है बोलने में इरेलेवेंसी है। चौथा है बर्ताव में प्रॉब्लम, और पांचवा है भावना शून्य होना। ये एक महीने से ज़्यादा होना चाहिए सिम्टम्स, कम से कम एक महीना होना चाहिए, एक महीने से ज़्यादा और छः महीने से कम। यदि एक महीने से कम है और ये डायग्नोसिस करना पड़ रहा है, तो फिर समझना कि भाई ये डायग्नोसिस प्रोविजनल है, टेम्पररी है, बाद में देखेंगे एक महीने बाद में क्या टर्न अराउंड होता है। तो ये यदि छः महीने से ज़्यादा चला, सब ये सिम्टम्स छः महीने से ज़्यादा है, तो उसको फिर स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। अभी ये कोई, ये जो लक्षण है ये कोई भी नशे से नहीं होना चाहिए, मतलब शराब से या भांग, गांजा, फीम, चरस, मतलब कोई भी नशा करने के बाद में ये सिम्टम आते हैं तो फिर वो स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म नहीं है। या दूसरी कोई भी बीमारी इसके साथ नहीं होना चाहिए, मेडिकल कंडीशन, साइकेट्रिक कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो ये यदि रहते हैं तो हम बोलते हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म डिसऑर्डर है। उसका इलाज बहुत अच्छा होता है, यदि जल्दी लाना, जल्दी लाए तो जल्दी लाना बहुत आवश्यक है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, ओल्डर एंटीसाइकोटिक, न्यूर एंटीसाइकोटिक, हेलोपेरिडॉल है, ओलेंजीपिन है, उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। यदि वायलेंट ज़्यादा है तो सेडेशन करना पड़ेगा, और यदि बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो फिर उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे, शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसका इलाज होता है। थैंक यू वेरी मच।